केरल के एर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में हुए तीन धमाकों में जान गंवाने वालों की संख्या 3 हो गई है, जबकि इस घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इन धमाकों के बाद हमास से भी इनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। इस रैली को हमास कमांडर और हमास पोलित ब्यूरो के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने संबोधित किया था, जिसकी वजह से इन धमाकों के पीछे हमास का हाथ माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर खालिद मशाल है कौन और क्यों भारत में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जमात ए इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने 27 अक्टूबर को केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की थी। रैली को खालिद मशाल ने कतर से ऑनलाइन संबोधित किया था। खालिद ने इस रैली में इसराइल के साथ साथ बुलडोजर और हिंदुत्व को भी निशाने पर लिया था। यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक खालिद मशाल फिलहाल हमास के कतर में स्थित बाहरी पोलित ब्यूरो का चीफ है। हमास की बेहद शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के पूर्व चीफ खालिद मशाल का जन्म 1956 में वेस्ट बैंक के सिलवाट शहर में हुआ। हमास के लिए मशाल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 1996 से 2017 तक हमास के पोलित ब्यूरो का चीफ रहा। 1967 में वो कुवैत चला गया, जहां 1990 तक रहा। कुवैत यूनिवर्सिटी में उसने फिलिस्तीनी इस्लामिक आंदोलन को लीड किया था। खालिद मशाल के ऑनलाइन संबोधन को लेकर अब देश की राजनीति दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस रैली का विरोध करते हुए सीएम पिनाराई विजयन से एक्शन लेने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी मुस्लिम लीग ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। बीजेपी का कहना है कि सीपीआईएम के साथ साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जमात इस्लामी की रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 में इसराइल अरब जंग के बीच हमास को उसने ज्वाइन किया था, यानी कि खालिद ने हमास को ज्वाइन किया था। खालिद ने अल जजीरा को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावे किया था कि वो हमास की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहा है। आपको बता दें 1997 में हमास की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई थी। जिस तरह से केरल के मरपुल्लम में रैली हुई और उसके कुछ दिन बाद ही केरल में 3 धमाके हुए, जिसके बाद से ही इस हमले के पीछे हमास की साजिश बताई जा रही है। हालांकि केरल धमाकों में एक शख्स ने सरेंडर कर दिया है, बल्कि इस शख्स ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। हालांकि जांच एजेंसी इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है, ताकि धमाकों की सही वजह और इसके पीछे किसकी साजिश है उसका पता चल सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।